हालेलुया। मैं आज खुदा के कलाम में से एक खूबसूरत टॉपिक जो है, जो मुझे बड़ा पसंद है 7 सालों से, मैं उस पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। और आज का जो मजमून है, आज का जो टॉपिक है, वो है होली स्पिरिट, वो है खुदा का पाखरू। चाहे खुदा बाप में है या खुदा बेटे में है या खुदा रूह में है, वो बाप में हो या बेटे में हो या रूह में हो, लेकिन उसका मकसद एक ही है, आपको हमेशा की जिंदगी देना और अपनी बादशाहत के अंदर लेके जाना। हालेलुया। बाइबल बयान करती कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और जब बेटा जमीन पर आया, उसने आपके और मेरे और पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हर एक की निजात के लिए अपनी जान दी, उसके पाक होने के लिए अपना खून बहाया, हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोला। लेकिन जब आसमान पर वो जाने लगे तो उन्होंने बोला, मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं। अगर आप इब्रानियों का खत, उसका पहला बाप, उसकी पहली याद पढ़े तो लिखा है कि खुदा ने अगले जमाना में हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन आखिरी जमाना में उसने बेटे की मार्फत कलाम किया। और जब बेटा आसमान पर गया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोलते कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा, बाप उस रूह को जिसका वादा तुमसे किया गया है तब तक वो नहीं भेजेगा। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने शागिर्दों को बोला कि ठहरे रहो यरूशलम में जब तक कि तुम्हें आलमे बाला से कुवत का लिबास ना मिले। तो जिस हिस्से को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वह है रूहुल कुदस। आज हम रूहुल कुदस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि बाइबल बयान करती है, मेरे पास बहुत वर्सेस है और मैं बिना वर्स के आपसे बात कर रहा हूँ, और जो हैं पास्टर जी से मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर पढ़ें। देखिए, बाइबल मुकद्दस में अगर हम रूहुल कुदस के बारे में पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो सबसे पहली बात जो हमें नज़र आती है कि अब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पैदा होने से पहले खुदा ने हमारे ऊपर अपने खादम के वसीला से नबूवत करवा दी। क्या नबूवत करवाई? योएल नबी की मार्फत नबूवत कराई कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर नाजिल करूंगा। हालेलुया। जिस चीज को आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आज हम मसीही, हम क्रिश्चियन लोग जो हैं, मैं सच कह रहा हूं, जब इसके ऊपर खुदा का रूह मेरी तवज्जो करवा रहा था तो मैं बड़ा तकलीफ में था कि आज हम मसीह अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा खो रहे हैं। अहम हिस्सा जो हमारी ज़िंदगी का है, हमारी ज़िंदगी के बेशुमार प्लान हैं, बेशुमार मंसूबे हैं, लेकिन जो खुदा ने हमारे लिए डिज़ाइन करके रखा हुआ है, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा रही। आपको पता है, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले, सलीब पर जाने से पहले बार बार रूहुल कुदस के बारे में बात की। शागिर्दों को बोला कि जब रूह हक आएगा तो वो तुम्हें मेरे ऐन की खबर देगा। शागिर्दों को बोला कि जब वो आएगा तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। शागिर्दों को बोला कि वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। शागिर्दों को बोला कि वो अपने आप से कुछ ना कहेगा, बल्कि जो कुछ सुनेगा वो तुम्हें बताएगा। लेकिन आज हम मसीह पर ईमान रखने के बावजूद हमारी सोच, हमारे ख्याल बाज़ूकात वहां तक जाते नहीं है। बाइबल मुकद्दस में अगर रूहुल कुदस की अजमत की बात की जाए, तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने बात बोली कि तुम मेरे खिलाफ कोई भी बात करोगे तो वो तुम्हारी माफी हो सकती है, लेकिन रूहुल कुदस के बारे में बोला हुआ कुफर वो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ऐसी अजमत है, ऐसा जलाल है। हालेलुया। तो जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम में से ऐसा कौन है कि अगर उसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, अगर मछली मांगे तो सांप दे, अगर अंडा मांगे तो बिच्छू दे। उसे बोला कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूहुल कुदस क्यों ना देगा। सबसे पहली बात, रूहुल कुदस की अजमत में आपके साथ बयान करने जा रहा हूं। और दूसरी बात, खुदा की ख्वाहिश है कि उसके बेटे और बेटियां उसके रूहुल कुदस से भरे, उससे मांगे। जहां तक हमारे किरदार की बात आती है, जहां तक हमारी कमजोरियों की बात आती है, वो तो यीशु मसीह ने पहले बोल दिया कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो फिर क्यों नहीं मांगते। और आज हम देखते हैं कि अगर हम बुरे भी हैं तो उसकी अजमत ऐसी है, उसके रूहुल कुदस की अजमत ऐसी है कि वो बुरों को भी अच्छा बना देती है। हालेलुया। वो बुरों को भी अच्छा बना देती है। कितने लोग हैं, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, जो हर रोज जिनकी ये ख्वाहिश है कि खुदा मुझे रूहुल कुदस दे, ख्वाहिश वाले अपना हाथ दिखाएं। और कितने लोग हैं जो हर रोज खुदा से उसका रूहुल कुदस मांग रहे हैं, वो अब अपना ईमानदारी से हाथ दिखाएं। 1, 2, 3, 4, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन फिर भी कम है। मेरी प्रेयर है
एसओजी की पूरी कलीसिया सिर्फ वर्शिप सेंटर के अंदर ना दिखे, आसमान पर भी दिखे। हालेलुया, आसमान पर भी दिखे। इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि हम रूहुल कुदुस के बारे में सीखें और मांगे। बेशक हम किसी ना किसी बुराई के अंदर है, लेकिन यीशु ने बोला कि तुम बुरे हो, लेकिन मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पालोगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह का जमीन पे आने का मकसद क्या था। यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू किया और बोलना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बात है नजदीक आ गई है। हमारी असलियत क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा घर कहां पर है? हमारा घर आसमान पर है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने बोला कि मेरे बाप के यहां बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या देता। हमारा बादशाह जिसे हम बादशाह मानते हैं, और वो है भी, और उसकी मानत और कोई है ही नहीं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह जो सबसे ऊपर है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, उसने एक बादशाहत का आगाज किया, और उसकी बादशाही जमीन की नहीं बल्कि उसकी बादशाही आसमान की है। और उसकी बादशाही के अंदर उसके बेटे और बेटियां, उसकी ख्वाहिश है कि मेरी बादशाही के अंदर मेरे जो चुनिंदा लोग हैं, जो खून खरीदे लोग हैं, वो उसकी बादशाही में जाएं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है, हमारी मंजिल सिर्फ हमारा घर बनाना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ चर्च के अंदर प्रीच करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ अपने बच्चों को पालना नहीं, बल्कि हमें, अगर हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने अपने बादशाह के सामने जाना है और हर वक्त कुदूस 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 कादर मुतली खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू ही मुबारक है। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह, और उसे जरूरत है ऐसे लोगों की। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसके तख्त के सामने उसके बेटे और बेटियां रूह से मामूर होकर उसकी परस्तिश करें, सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी। और याद रखिए, यीशु मसीह ने बोला निकोदिमस से, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा होना वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, दाखिल होना बड़े दूर की बात है। सॉरी, मैं वर्सेस कोट नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना, टाइम मेरे पास थोड़ा है। सुने, आप सब इन सारी आयात से वाकफ हैं, आप यीशु से मोहब्बत करते हैं, बाइबल के अच्छे स्टूडेंट हैं। सुने, यीशु मसीह ने बोला निकोदिमस से कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा, और ये बात उसे समझ में नहीं आई, उसने बोला कैसे ये हो सकता है। यीशु मसीह ने बोला जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मकसद क्या है कि जब तक हम रूहुल कुदुस की पैदाइश में नहीं है, हम उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। और जो रूहुल कुदुस से पैदा हुए लोग हैं, यीशु मसीह ने बोला निकोदिमस, हवा चलती है तो उसे महसूस कर सकता है लेकिन पकड़ नहीं सकता। याद रखिए, जो लोग यहोवा के रूह से पैदा हुए लोग हैं, शैतान उन्हें देख सकता है, महसूस कर सकता है, पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वह यहोवा की रूह की हदायत से चलते हैं। आमीन आमीन। आज आप जब जितने वर्ड आप सुने, आपके अंदर एक प्रेयर होनी चाहिए कि खुदा मुझे अपने रूह से भर, आज इस हाल से मैं बाहर जाऊं तो मैं रूह से मामूर होके जाऊं। बाइबल में लिखा कि अपने आप को रूह से भरते जाओ, इसका मतलब है रूहुल कुदुस से भरने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमारी भूख है, प्यास है, आंसू है, दर्द है, तो वो हमें देगा। हालेलुया। जब तक कोई नए सिरे से, अब मकसद ये जो चीज मैं बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्यों ऐसा बोला, जबकि मरकस की इंजील जब पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि जब वो मैं तुमसे कहता हूं बस जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, ये चीज बोली। लेकिन यहां पर यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। तो रूहुल, पानी से हमने बपतिस्मा लिया या पानी के बपतिस्मा हम लेने वाले हैं, तो रूहुल कुदुस के बपतिस्मे का क्यों बोला गया? बाइबल मुकद्दस बयान करती है, 10 लड़कियां निकली बादशाह के लिए, 10 लड़कियां निकली दूल्हे के इंतजार के लिए। उनके पास मिशालें थी, वो निकली, और जब निकली तो 5 जो है वो दूल्हे के साथ गई और 5 रह गई। वजह क्या थी? मिशाल थी लेकिन 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। मैंने पिछले दिनों में जूम पे इसे प्रीच किया था, लेकिन जितने लोगों ने जूम पे सुना, आप ये न सोचिएगा ये मैंने सुना हुआ है, इसमें बहुत सारी नई चीजें खुदा करूं हमसे हम पर जाहिर करेगा। 5 चली गई किसके सबब से? क्योंकि उनकी कुप्पियों में तेल था और उनकी मिशालें जल रही थी। 5 नहीं गई, वो उन्हें रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उनके पास मिशाल भी थी, कुप्पी भी थी, लेकिन तेल नहीं था। और हम सब जानते हैं, मैं पूरी तमसील को नहीं पढ़वाना चाहता, हम सब बचपन से इसे सीखते आए हैं, दुल्हा जो है वह यीशु मसीह को जाहिर करता है,
और कुंवारियां जो है वो कलीसिया को जाहिर करती हैं, और पूरी की पूरी और जो शादी है वो खुदा की बादशाही है। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन जब वो टाइम आया, बाइबल बयान करती दूल्हा आधी रात को आया, हम नहीं जानते कि हमारा बादशाह कब आएगा, हाँ, लेकिन हर एक आंख उसे देखेगी, वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था। आमीन। वो आधी रात, किसी को नहीं पता यीशु मसीह की, वो कल आ सकता है, अभी आ सकता है, सुबह आ सकता है, वो जल्द आने वाला और अपने लोगों को साथ लेके जाने वाला है। लेकिन वही कुंवारियां उस जगह पर पहुंची, उस दूल्हे के साथ गई जिनकी कुप्पियों में तेल था, हाँ, जिनकी कुप्पियों में तेल था, यानी कि तेल होने के सबब से 5 एक्सेप्ट की गई और तेल ना होने के सबब से 5 को रिजेक्ट किया गया। तो बात यह, अगर यीशु मसीह ने बोला कि जब तक कोई रूह से पैदा ना हो वो बादशाही में नहीं जाएगा, और 5 नहीं जा पाई, क्यों? क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। हालांकि अगर देखा जाए, जब कुंवारियां 10 घर से निकली हैं, तो घर से निकलना आसान नहीं है। हो सकता है अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को छोड़ के आई हैं, कोई अहम काम हो, इनकी अपनी कुछ अपनी भी जिंदगी हो, ये 10 की 10 एक कुर्बानी दे के दूल्हे के इंतजार के लिए आई हैं। और याद रखें, जब ये घर से निकली हैं, इनके पास तेल भी था, सबके पास, इनके हाथों में मिशाल भी थी। और याद रखें, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं किस किस हम डिनोमिनेशन से तलक रखते हैं, पता नहीं किस मजहब से हम तलक रखते हैं, लेकिन हमने एक कुर्बानी दी, हर एक चीज को पीछा किया और यीशु मसीह के इंतजार के लिए अपनी जिंदगी उसके राम में दे दी कि हम यीशु के हैं और यीशु हमारा है। लेकिन याद रखें, जब ये 5, जब यीशु मसीह, जब वो बादशाह आया, जब वो दूल्हा आया, दरवाजा बंद कर दिया गया, उन्होंने दस्तक दी, तो यीशु अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब अगर तेल नहीं है तो वो आपको जानता भी नहीं है। क्यों? मतलब क्या खासियत है तेल की, या क्या खासियत है रूह की? आइए हम सीखेंगे हम रूहुल कुदस की कुछ अजमत को, अजीम कामों को जो यीशु के खून खरीदों की जिंदगी में वो करता है, उनकी तरफ चलेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से 1 सैमुअल उसका 10वां बाब उसकी 6वीं आयत। पास्टर जी मेरी जरा मदद कर दीजिए, माजरत के साथ पूरा हफ्ता मेरे चेस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन खुदा का शुक्र अभी तक खांसी शुरू नहीं हुई, उम्मीद है कि होगी भी नहीं। जी पढ़े जरा। सबसे पहला काम जब तेल कलीसिया के ऊपर आता है, पहला काम जब तेल एक ईमानदार पर आता है, तेल जब एक उस इंसान पर आता है जो खुदा के घुटनों में झुकता है, पहला काम उसकी जिंदगी में होना शुरू होता है। पढ़िए पास्टर जी। तब खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजल होगी और तू उनके साथ नबुवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। खुदा का कलाम फरमाता है कि तब खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजल होगी, तू नबुवत करने लगेगा और बदल के और ही इंसान हो जाएगा। खुदा के बड़े अजीम खादम यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम सब अपनी अपनी गवाहियां शेयर करने लगे तो हम जैसा कोई बुरा इंसान था ही नहीं, लेकिन उसका रूहुल कुदूस है जिसने चेंज किया और जिंदा खुदा का खादम बना के यहाँ पर खड़ा कर दिया। आमीन। सबसे पहला काम जो जब रूहुल कुदूस आपकी जिंदगी में आता है, जब तेल आपकी कुप्पी में आता है, तो वो आके बैठा नहीं रहता, वो सिर्फ आपको इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि आप गैर जुबाने बोलते रहें, वो आपको इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि सिर्फ आप खिदमत की तरफ फोकस रहें। सबसे पहली चीज, आपके अंदर एक चेंज शुरू हो जाता है, आपके अंदर एक तब्दीली आ जाती है, आपकी सोच बदलती है, आपकी ख्याल बदलते हैं। और जब ये चीज़ें हो रही होती हैं और कहीं ना कहीं पर अगर हम कुछ गलत भी करना शुरू करते हैं, तो वो फिर भी हमसे बात करता और हमें संभालता है। और जब ये तब्दीली शुरू होती है, जब ये चेंज एक शख्स की जिंदगी में आता है, तो दूसरा काम जो होना शुरू होता है, सुनिए उसकी तरफ जाएंगे। बाइबल मुकद्दस बयान करती, खुदा पाक है और कोई भी नापाक उसके हजूर ठहर नहीं सकता। और इस हॉल के अंदर बैठा हुआ मुझ समेत कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हम कहीं ना कहीं पर नापाकी नहीं करते। हम कहीं ना कहीं पर नापाकी करते हैं, हम बातों में करते हैं, सोचों में करते हैं, अपने अपने रिश्तों में करते हैं, अपने काम पे करते हैं, तो फिर कौन जा सकता है? पुराने ऐदनामा में हुक्म दिए गए, हाँ, पुराने ऐदनामा में हुक्म दिए गए, लेकिन कोई बहुत मुश्किल आगे को बढ़ नहीं पाया। नए ऐदनामा में भी हुक्म मिला, यीशु ने बोला अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखती हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। पुराने ऐदनामा के अंदर एक मुकर्रर वक्त पर रूह आता था और चला जाता था, नए जमाने में जब यीशु का लहू बहा दिया गया तो लिखा है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह के वसीला से अपने लोगों में उतरूंगा और रहूंगा।
आमीन। हम कहीं ना कहीं नापाकियां करते हैं, और क्या हमारी जिंदगी के अंदर चेंज शुरू होता है? आइए पास्टर जरा निकालिए दूसरा थसा लिखियो, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत सुनिए जरा। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीजा बनाकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। आमीन। किसके वसीला से पाकीजा बनेंगे? रूह के वसीला से, क्योंकि जब रूहुल कुदुस आता है तो आपकी कमजोरियों पर काम करता है। कुछ चीज़ें जिंदगी के अंदर ऐसी होती हैं, हम सब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें लगता है कि हम छोड़ नहीं सकते, हमें लगता है कि हम इन चीज़ों से निकल नहीं सकते, लेकिन जब रूहुल कुदुस आता है और जब चेंजिंग शुरू होती है तो वो हमें तमाम उन नपाकियों जिनके अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं डे बाई डे, रोज़ ब रोज़ हमारे अंदर एक तब्दीली शुरू होती है, हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक पाक इंसान बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं पूछना शुरू करूँ तो आज आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, आप अगर पीछे देखें जब से आपने यीशु को दिल लगाया और आपने उसके रूहुल कुदुस का तजर्बा हासिल किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन आज वो छोड़ के यहाँ पर आप बैठे हैं, क्योंकि आप कमज़ोर थे, लेकिन जब खुदा का रूह आप पर आया तो आपको और मुझे उसने उन तमाम गंदी चीज़ों से निकाला। मैं ज़िंदगी के अंदर कभी ये मान नहीं सकता था कि मैं शराब के बिना रहूँगा, कभी भी नहीं, लेकिन जब उसका रूह आया हर एक चीज़ बदल गई। जब मैं पहले दुबई में आया, वापस गया तो मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास गया कटिंग करवाने, तो हम अक्सर वहाँ पर ड्रिंक किया करते थे, तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त उसी जगह पर सेम पी रहा और मैं वहाँ पर बैठा, उसने बोला कि यार नादर भाई ये जाम मोहब्बत का, जैसे जिंज होता है ये जाम मोहब्बत का हमारी तरफ से आपको। उसके बाद नहीं यार मैं नहीं पीऊँगा। अरे क्यों नहीं पियोगे? अरे पियोगे, अरे पहले तो बहुत पीते थे यार, ये हमारी मोहब्बत। मैंने बोला पहले पीता था, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि उसके रूह की उसके रूह का ऐसा जुनून है जो उसके बराबर उस यहाँ तक को आ नहीं सकता। जब चेंजिंग शुरू होती है तो वो आपको क्या करता है? बाइबल में लिखा है जब तक मेरी बादशाही को बच्चे की मानत कबूल ना करे। बच्चा पैदा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी ने बपतस्मा लिया फिर वही काम कर रहा है, इसने बपतस्मा लिया फिर वही काम कर रहा है, वो एक लड़ाई के अंदर है और रूहुल कुदुस उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बुरी आदतों से उसे निकाल रहा है। इसलिए कुप्पी के अंदर तेल होना ज़रूरी है, क्योंकि तेल आपको ताकत बख्शता है ताकि आप पाक बनकर उसकी बादशाही में जा सको। हालेलुया। इसीलिए तेल होना ज़रूरी है। यीशु की बादशाही में कितने लोग जाना चाहते हैं? हम सब जाना चाहते हैं। कितने लोगों की तैयारी है? किसी का हाथ नहीं ऊपर आया? सिस्टर सामिया, पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, जितने हाथ खड़ा किया इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि रूहुल कुदुस जब आपकी जिंदगी में आता है वो आपको नपाकियों से निकालता है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी बादशाही है, जिस जगह पर आपने जाना है, वहां पर पाकिजगी ही पाकिजगी है, क्योंकि वहां पर पाक खुदा रहता है और उसका रूह हमें पाक करता है, ताकि जब दुल्हा आए तो उसकी जो कवारी है, उसके जो चुनिंदा लोग हैं, उसकी कलीसिया है, वो पाक बने, ताकि जब वो आए तो उसके साथ उड़कर उसकी बादशाही में चली जाए। वो हमें पाक करता है, उसका तेल इसलिए ज़रूरी है। इसीलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो सो चुकी थी, वो अपनी गनूदगी के अंदर सो चुकी थी, उन्होंने अपने तेल को मेनटेन नहीं रखा। हालेलुया। उसके बाद तीसरा काम रूहुल कुदुस हमारी जिंदगी में क्या करता है, मेरे साथ आप निकालिए पास्टर जी रोमियो 8 बाप उसकी 26 आयत। रोमियो 8 बाप उसकी 26 आयत। तीसरा काम, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। एक मिनट, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। आज आपको पता है जितने भी हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब लोगों ने ना इस चीज़ को बड़ा अपने आप को तसल्ली दी है। कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, कोई बात नहीं, इंसान तो कमज़ोर है। लेकिन उसने आपको तेल दिया है ताकि आप कमजोरियों से निकल सको। कमजोरी में रहना कोई अलग बात नहीं है, कमजोरी के अंदर कोई गलती कर देना कोई अलग बात नहीं है, लेकिन कमजोरी में पड़े रहना ये बहुत बुरी बात है।
क्योंकि उसने आपको अपना तेल इसीलिए नहीं दिया, आपको इसीलिए आपकी आपकी कुप्पियों में तेल नहीं दिया कि आप कमजोरियों में रहें, बल्कि वो तेल इसीलिए दिया है कि आप उसे यूज करें और अपनी कमजोरियों में उससे मदद हासिल करें। यीशु मसीह ने बोला मैं जाता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम यूथ का जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम रूहुल कुदस को अपनी सिर्फ खिदमत के अंदर देखना चाहते हैं, हम रूहुल कुदस को अपनी प्रीचिंग में देखना चाहते हैं, हम रूहुल कुदस को सिर्फ हाथ रखें और हीलिंग को हीलिंग करते हुए देखना चाहते हैं, हम इस तरह रूहुल कुदस को देखना चाहते हैं। लेकिन ये खिदमतें हैं जो देता है वो, लेकिन वो हमारी पर्सनल जिंदगी में काम करना चाहता है। इसीलिए यीशु ने बोला बथेरे आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से बुद्धुओं को नहीं निकाला, बीमारों को चंगा नहीं किया, लेकिन यीशु बोल देगा मेरी तुमसे वाकिफियत ना रही, क्योंकि तुमने तेल को यूज नहीं किया अपने कमजोरी से निकलने के लिए। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, इसीलिए हमारी कुप्पियों में तेल होना बड़ा जरूरी है। आगे पढ़िए पास्टर जी। क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। एक मिनट, चौथा काम, जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। बाइबल मुकद्दस अगर हम बड़े ध्यान से, हम सब दुआ के बारे में हम बहुत कुछ सीखते हैं। दुआ करना क्या है? खुदा से बात करना। दुआ करना क्या है? खुदा को सजदा करना। बाइबल बयान करते जो खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रेयर खुदा को हमारे करीब लेके आती है, हमारी दुआ हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदा के करीब चले जाएं, हमारी प्रेयर हमें खुदा के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन किस तरह प्रेयर करनी है? शागिर्द देख रहे हैं यीशु मसीह को तूफान रोकते हुए, शागिर्द देख रहे हैं यीशु मसीह को बदरुए निकालते हुए, शागिर्द देख रहे हैं कि रोटी और मछली मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन शागिर्द आके बोलते हैं मौजा करना नहीं, हमें सिखा कि हमें दुआ किस तरह करनी है। क्योंकि शागिर्दों ने यीशु के साथ रहकर एक उनकी जिंदगी के अंदर एक बड़ी मजबूत चीज देखी कि उन्होंने हर एक चीज को पीछे किया लेकिन अपनी प्रेयर को फर्स्ट प्योरिटी दी। आमीन। किस तौर से दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठते हैं अपने घुटनों पर, दो मिनट के बाद छुट्टी, प्रेयर करने से पहले एक सोच होती है आज आधा घंटा, आज घंटा, आज डेढ़ घंटा, लेकिन जैसे ही अपने घुटनों पर आते हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने खून और गोज से खुदा के करीब जाना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बयान करती है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुति करे। हम नहीं जानते हमें खुदा से किस तरह बात करनी है, हम नहीं जानते। पौलुस रसूल क्या बोलता है, मैं अपनी रूह से भी और अपनी समझ से भी उसकी उससे दुआ करूंगा। तो इसका मतलब है एक हमारी समझ है और दूसरा रूह हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, और जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए वो हमसे बात करता है। हम प्रेयर में होते हैं, जितने प्रेयर वॉरियर्स हैं आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पर तजर्बा करते हैं। जब आप अपने घुटनों पर जाते हैं आपको पता आपकी सोचें हजार होती हैं प्रेयर से पहले, आज मैंने ये बात करनी, आज मैंने ये बोलना, आज मैंने ये बोलना, लेकिन जो ही घुटनों पर जाते हैं आपको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, इस मकसद के लिए प्रेयर कर, इस मकसद के लिए प्रेयर कर, क्योंकि आप में कोई है जो जानता है कि तुझे किस मकसद के लिए दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़िए पास्टर जी। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, आहें भर भर जिनका बयान हो सकता नहीं हो सकता। आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है रूहुल कुदूस, हमारी शिफायत करता है। इस वक्त बाइबल बयान करती है स्तिशनस बोलता है कि मैं आसमान को खुला और कादर मुतलिक के दैने हाथ में खुदावन यीशु को देखता हूँ। देखिए बाप तख्त पर है, बेटा तख्त पर है, लेकिन रूहुल कुदस तख्त पर नहीं है, वो इस दुनिया में है और वो अपने मकदस में आना चाहता है। बाइबल बयान करती है पहला ग्रंथियों 6:19, तुम नहीं जानते तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है, वो इसमें रहना चाहता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मांगते नहीं है, मांगते इसीलिए नहीं क्योंकि हम जानते नहीं है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से क्या कहा, मुझे पानी पिला, उसने कहा यहूदी हो कि तू मुझसे पानी मांगता है, यीशु ने बोला अगर तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हम सब यीशु को जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी का पानी नहीं मांगते, और ये सच है।
हम नहीं मांगते, हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने हिसाब से, अपनी प्रेयर को अपने हिसाब से खुदा के सामने जाते हैं, लेकिन वो खामोश होता है और कहता है कि तुम बुरे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से रूहुल कुदुस मांगोगे तो तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, तुम बदल के और इंसान हो जाओगे। तो आज नपाकी की हालात में मेरे पास आया, आने वाले दिनों में नपाकियों से तू निकलेगा, तो कमजोरियों से निकलेगा, क्योंकि मैंने अपना रूह तुझे दिया है। मैंने पहले बताया पुराने ऐदनामा में भी हुक्म थे और नए ऐदनामा में भी हुक्म थे। हाँ, और क्या होता है, बाइबल बयान करती, जब हम उसकी बादशाही जब मुकाशवा के अंदर जाते हैं तो एक लिस्ट है, पास्टर जी जरा निकाल लीजिए, मैं चाहूंगा इसे पढ़ लीजिए। एक लिस्ट है जिसके अंदर बोला गया कि ये लोग उसकी उस जगह पर नए आसमान में और नए यरूशलेम में नहीं जाएंगे, और उसमें टॉप पर एक चीज लिखी हुई है, पढ़ें जरा पास्टर जी, मुकाशवा 21वां बाप और उसकी 8वीं आयत, 7वीं और 8वीं पढ़ दी। जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुजदलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, यह दूसरी मौत है। सुने, ये वो लोग हैं जो उस गंधक की झील में जाने वाले हैं, लेकिन इनकी लिस्ट के ऊपर पहला जो नाम, पास्टर जी फिर पढ़िएगा 8वीं आयत से, मगर बुजदलों, एक मिनट, मगर बुजदलों, बुजदल कौन होते हैं, डर खौफ, डर में रहने वाले। बाइबल बयान करती एक शख्स था जिसका नाम पतरस था, उसने यीशु मसीह को बोला कि मैं तेरे लिए कैद होने के लिए बल्कि मरने के लिए भी तैयार हूं। और बाइबल बयान करते ही जब खुदावंद यीशु मसीह को उस सेन के अंदर लेके जाया गया, जब उसे मारा जा रहा था और वो सामने देख रहा था, और तीन दफा यीशु ने बोला तू तीन दफा मेरा इनकार करेगा, तीन दफा। और बाइबल बयान करती उसने ना सिर्फ यीशु का इनकार किया बल्कि लान तान भी की। किस सबब से? देखिए बाइबल बयान करती खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। समझ में आ रही मेरी बात? पतरस प्रेम रखता है यीशु से, पतरस के अंदर ईमान है, पतरस अपना घर बार सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आया है, वो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। और बाइबल बताती कि वो मरा भी, और किस तरह मरा ये भी बाइबल बयान करती है, लेकिन इस वक्त वो अपने खून और गोश्त से उस मोहब्बत में यीशु के साथ जाना चाहता है। लेकिन एक फियर, एक डर, एक खौफ कि अगर इन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, अगर इन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा तो मेरा क्या होगा, और उसने यीशु का तीन बार इनकार कर दिया। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उठकर बोलने लगे, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ खुदावंद। तू मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ खुदावंद। तू मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ खुदावंद। ले 3000 रूहें, लेकिन ठहरे रहना यरूशलम में जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना दिया जाए। अमाल की किताब उसका दूसरा बाप अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजल होगा तुम कुव्वत पाओगे यहूदा में, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यही पतरस है जिसने यीशु का तीन बार इनकार किया, और यही पतरस है जब कुव्वत का लिबास अंदर आया खौफ बाहर गया, और इसने उन्हीं लोगों को यीशु के बारे में बताया जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया। याद रखे, जब रूहुल कुदुस हमारी जिंदगी में आता है, जब उसकी हजूरी हमारी जिंदगी में आती है, तो डर अंदर नहीं रहता। हाँ, डर अंदर नहीं रहता, खौफ अंदर नहीं रहता। यही वो शागिर्द है, यही वो शागिर्द जिसने इनकार किया, यही है जब उसे कैद किया गया, अदालत में खड़ा कर दिया गया, इसे शायद मारा भी गया, लेकिन इसे बोला गया कि यीशु का नाम लेके तू मुनादी ना करना, और पता क्या बोलता है, आदमियों की बात से बढ़कर जरूरी है कि मैं खुदा की बात को पूरा करूं। हम खुदा की मर्जी को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक दूसरा मददगार हमारी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ हमारी लड़ाई है उसका नाम शैतान है। और बाइबल बयान करती तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई आसमान में छुपी हुई शैतान की फौजों से है, यानी कि उन रूहों से जो शैतान की रूहें हैं। चर्च, अगर उन रूहों को हराना है तो हमें भी रूह में आना पड़ेगा। हमें सोना नहीं है बल्कि इस तेल को लेना है।
बाइबल बयान करती कि मैं तुम्हें इख्तियार बख्शता हूं कि सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलो, लेकिन आज हमारे सर कुचले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास मिशाल है, हमारे पास ईमान है, हमारे पास उसका मकदस भी है, लेकिन इस मकदस के अंदर तेल नहीं है। हालेलुया, हमें भरना है, इस चेंज को अपने अंदर लेना है, हमें इस तरह पाक होना है, हमें इस तरह अपने अंदर से उस कुवत को, उस सारी कुवतों को हराना है जो हमें उसकी मोहब्बत से अलग करती है। एक आखिरी चीज बोल के मुझे प्रेयर में जाना है, एक आखिरी चीज बोल के उसके बाद मैं इसे क्लोज करूंगा। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं बस इसे खत्म करने की तरफ जाऊंगा। यीशु मसीह ने बार बार हमें एक एक हुक्म दिया मोहब्बत का। हाँ, शागिर्दों के पांव धोए, जो उसे मार रहे थे, जिन्होंने सूली पर चढ़ाया, बोला है बाप इन्हें माफ कर, और वो यही चाहता है कि उसके खून खरीदे भी इस तरह के प्रेम से भरे हों। याद रखे, बिना रूहुल कुदुस के हम प्रेम नहीं कर सकते। अगर बिना रूह के प्रेम किसी के साथ करेंगे ना, तो पता क्या होगा, जब वो आगे से मोहब्बत नहीं दिखाएगा तो उसके ऊपर उंगली कसेंगे, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। लेकिन अगर मसीह की मोहब्बत में उसके लिए करेंगे, चाहे वो कुछ भी करे, हम यही बोलेंगे हमने सिर्फ मसीह की खातिर ये किया। आइए मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम। सुनिए, जब रूहुल कुदुस हमारी जिंदगी में आता है, बाइबल में लिखा है नई पैदाइश के अंदर हमारी बॉडी तो यही रहती है, लेकिन कुछ नई चीज़ें हमारी 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 बॉडी के अंदर होली स्पिरिट कुछ नई चीज़ें हमारे अंदर पैदा करता है, जो दुनिया देखती है और देख के बोलती है अब इस पर रूह आया है, ये बदल कर और इंसान हो गया। अब सुनिए, जब रूहुल कुदुस आता है तो किस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर वो डालता है और किस तरह की चीज़ें दुनिया देखती है। आइए पढ़िए पास्टर जी गलतियों का खत 5वां बाप उसकी 22वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, एक मिनट, रूह का फल मोहब्बत, वो हमें मोहब्बत करना सिखाता है। पौलुस रसूल जो मसीहों का दुश्मन, पौलुस रसूल जो इजाजतनामा लेके पकड़ता और मसीहों को कैद में लेके जाता है, वही पौलुस रसूल बोलता है अब कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। क्योंकि ये वो रूह है जो दुनिया के शुरू में, हमें बाइबल मुकद्दस की पहली आयत में हमें दिखता है कि दुनिया के शुरू में जो खुदा के साथ पानी की सतह पर जुम्बश करता था, ये वही रूह है जब मुकद्दसा मरियम ने सवाल किया कि कैसे होगा, मैं तो कंवारी हूं, तो जिब्राइल फरिश्ते ने बोला खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से वह मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा ठहराएगा। और यही वो रूह है, बाइबल बयान करती है, यही वो रूह है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। हालेलुया, और यही वो रूह है जो 120 की जमात पर ठहरा, और यही वो रूह है जिसके बारे में यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना आरव, कि खुदावन के दिन में रूह में आ गया। और यही वो रूह है जब वो हमारे अंदर आता है तो हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें मोहब्बत करना सिखाता है, हमें वो सब कुछ करना सिखाता है जो यीशु मसीह चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियों की जिंदगी में हो। यहाँ पर बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में तजर्बा होगा कि लोग उन्हें सताते हैं, लोग उन्हें बुरा भला बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने भी बुरा भला बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके अंदर कोई है जो उन्हें तसल्ली दी है, जो उन्हें संभाले हुए है। हाँ, वो हमारे अंदर रहता है तो वो आके बैठा नहीं रहता, बल्कि वो चेंजिंग लेके आता है, चेंजिंग तब्दीली हमारे अंदर लेके आता है, हमें मोहब्बत करना सिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला रूहुल कुदुस अपने आप से कुछ ना कहेगा, बल्कि जो कुछ सुनेगा वो तुमसे कहेगा और वो ही तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। और यीशु मसीह की ख्वाहिश है, जिस तरह मैंने इस दुनिया के पापियों से मोहब्बत रखी, मेरे चुनिंदा लोग भी इस दुनिया से मोहब्बत रखें। आमीन। वो हमें मोहब्बत करना सिखाता है, मोहब्बत में जीना सिखाता है और मोहब्बत में लड़ना और फतायाब होना सिखाता है। ये रूहुल कुदुस हमारी जिंदगी में काम करता है। आगे बढ़िए पास्टर जी। खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, वो हमें खुश रहना सिखाता है। याद रखिए, अगर खुदा का रूह अंदर है तो हम खुश हैं।
इसीलिए पौलुस रसूल बयान करता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग तरह तरह की जब तरह दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या थक जाते हैं, तरह तरह की चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग बाहर आउटिंग पर चले जाते हैं खुश रहने के लिए, बहुत सारे लोग सिनेमा में भी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करते हैं सिर्फ क्या हम खुश हो जाएं। लेकिन बाइबल बयान करती रूह का फल, तुम खुश रहोगे। यीशु ने बोला मैं अपने इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। जब रूहुल कुदुस अंदर होगा आपकी आंखें आपको दिखाएंगी कि आपके रास्ते बंद हैं, आपके कान आपको सुनाएंगे कि आपके आपके इर्द गिर्द के लोग आपके मुखालिफ हैं, आपके कान आपको सुनाएंगे कि लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आप सुनोगे देखोगे कि लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इत्मीनान होगा क्योंकि आप अकेले नहीं, आपके दाहिने हाथ पर इसराइल का खुदा है जो आपके संभाले हुए हैं। आपके अंदर पीस होगा। लेकिन प्रॉब्लम है आज हम लोगों में पीस, दुनिया की चीज़ों में पीस ढूंढना शुरू हो जाते हैं और रूहुल कुदुस खामोश होता है और खुदा भी देख रहा होता है। क्यों हमारे मसले हल नहीं होते? हाँ, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी दुखी रहे, दुखी क्योंकि अंदर पीस नहीं है, क्योंकि अंदर जो पीस है जो जो हम जिसे हम ढूंढना चाहते हैं वो उसका रूहुल कुदुस हमें देता है। आगे पास्टर जी, तहम्मुल, मेहरबानी। मेहरबानी, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा। मेहरबानी, सुने यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुमने भूखे को खाना खिलाया तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने अगर नंगे को कपड़ा पहनाया मेरे साथ ऐसा किया, तूने अगर बीमार का हालचाल पूछा तूने मेरे साथ ऐसा किया। जब रूहुल कुदुस आप में आता है वो आपके सख्त दिल को भी नरम कर देता है ताकि आप दूसरों पर मेहरबान हो और जो यीशु की मर्जी है आप उसे पूरा करो। हाँ, दूसरों हमें वो मेहरबान होना सिखाता है। चाहे आपको लोग कुछ भी कहें, चाहे आपकी पॉकेट में कुछ हो ना हो, आप किसी को दुखी फिर देख नहीं सकते। अगर आप में उसका रूह है, आपके पास कुछ हो ना हो, आप किसी की आप किसी की परेशानी देख नहीं सकते। आप में से बहुत पास्टर तारक है, सिस्टर है, खुदा के खादमीन यहाँ पर बैठे हैं, गो के हमारी जिंदगी के अंदर बेशुमार प्रॉब्लम हो, लेकिन याद रखिए ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में चाहे बरकत आए ना आए दुनिया के लिए रोजों में है, लोगों के लिए रोजों में और दुआओं में है। और ये इनका इनका कोई कमाल नहीं बल्कि इनमें एक ताकत है जो इन्हें मेहरबान होने पर मजबूर करती है। खुदा जो उसके चुनिंदा लोग हैं उनके वसीला से अपने आप को दुनिया पर जाहिर करना चाहता है। लेकिन हम अगर यीशु के दीवाने हैं तो भाई उसके रूह से तो फिर भरना पड़ेगा। लोग बोलते हैं पत्रस और बाकी रसूलों को कि ये ताज़ा मैं के नशे में है। कितने लोग यीशु के दीवाने हैं? अगर ये इरादा है यीशु के लिए जीना और यीशु के लिए मरना और दुनिया में कुछ करके जाना तो फिर इस मैं को अपने अंदर लेना होगा, इससे भरना होगा। हमारी कुप्पी के अंदर तेल होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यही है जो हमें मजबूत करता है। आगे पास्टर जी, नेकी, ईमानदारी। नेकी, बाइबल में लिखा है कि अगर ईमान के साथ अमल नहीं है तो तुम्हारा ईमान चाहे कैसा भी है वो मुर्दा है। तुम्हारा ईमान क्या है जी? मुर्दा है। जब रूहुल कुदुस आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपको ताकत बख्शता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप नेकी पर नेकी करें, आप ऐसे काम करें जो खुदा की नजर में भले हैं। आमीन। मेरा ख्याल है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी दरखास्त है क्वायर से के ऊपर आ जाए, हम आखिरी सेशन में जाएंगे। और मैं एक कॉल देना चाहता हूं आपको।